हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन स्टोरीज। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अनोखा प्लांट, बहुत ही प्यारा प्लांट, जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा एक ऐसा प्लांट है जो ज़्यादातर सभी एशियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और हमारे इंडिया में तो मोस्टली हर जगह ही ये पाया जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं हर जगह। जैसे कॉमनली हम हिंदी में इस प्लांट को बोलते हैं चार बजिया पौधा। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस पौधे का नाम चार बजिया प्लांट क्यों रखा गया। इस पौधे का नाम चार बजिया प्लांट इसलिए रखा गया क्योंकि जो इसके फूल हैं, जो खिलते हैं, वो लेट आफ्टरनून में खिलते हैं, यानी कि दोपहर में भी लेट, लाइक 4 o'clock। तो ये प्लांट के फ्लावर्स पूरा दिन ब्लूम नहीं करते हैं, जैसे ही शाम होने को होती है ये फूल खिलने लग जाते हैं, और ये रात तक खिले रहते हैं, और जैसे ही सवेरा होता है ये फूल फिर से बंद हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी शाम की रौनक है, इसीलिए इसको पंजाबी में कहते हैं शाम दी शौनप। आई थिंक मैंने पढ़ा था शाम दी शौनप, हाँ। और बांग्लादेश में मैंने एक जगह पढ़ा था इसका नाम होता है संध्या मालती, वेरी ब्यूटीफुल नेम, संध्या मालती, संध्या में खिलने वाले फूल। और भी इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में इसको चंद्रकांता कहते हैं। और इसके बारे में मैं बात करूँगी, ये जो फूल है इसके खिलते हैं वो स्प्रिंग सीजन से आने स्टार्ट हो जाते हैं। विंटर्स में ये प्लांट इतना एक्टिव नहीं रहता है क्योंकि फ्रॉस्ट से इसके सारे पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं और ये डाई होने लगता है, लेकिन जैसे ही विंटर आती है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस पौधे की ये लगी कि मैंने केवल एक पौधा लगाया था और उस पौधे से मेरे गार्डन में इतने सारे पौधे हो गए, क्योंकि इसका जो फूल बनता है तो वो बहुत ही प्यारा सा एक सीड भी बनाता है साथ में, और वो सीड एकदम से ग्रो कर जाता है जैसे ही उसका फेवरेबल सीज़न आता है। सपोज़ वो मेरी इसी पॉट में अगर गिर गया होगा तो वो वहीं ग्रो कर जाता है। इसी तरह मेरे सारे पॉट्स में इसके बीज इधर उधर लुढ़क गए क्योंकि वो एक काले मिर्च की तरह, बॉल की तरह होते हैं। बहुत सारे सीड्स हुए थे उस प्लांट में और वो जगह जगह अलग अलग पॉट्स में चले गए, और इस वजह से मेरे पास बहुत सारी पौध हो गई है। देखिए इसी में ही देख लीजिए आप, इसी में तीन पौधे तो यही हैं, एक ग्रो कर रहा है और भी है। ये देखिए इस पे तो देखिए बर्ड्स भी आनी शुरू हो गई है। ये देखिए कि जहाँ भी गिरता है ना बीज वहीं उग जाता है, देख रहे हैं आप। ये देखिए और भी दिख जाएंगे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ भी गिरा होगा तो यहाँ भी उग रहा है, और भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी उगा हुआ है, ये एक ये रहा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। चलो तो चलिए बात करते हैं इसकी, इसके अंदर जब फ्लावर आएगा इसकी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये मेरा मरवे का पेड़ था, लेकिन ये इसमें इसका जो सीड गिरा होगा तो देखो कितना बड़ा प्लांट बन गया, और इसने मेरे मरवे को भी दबा लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब देखो इसका फ्लावर आने वाला है। इसकी ये बड देख रहे हैं आप, अभी ये हल्की वाइट कलर की लग रही है। और इस प्लांट के फ्लावर्स कई कलर्स में आते हैं, येलो, डार्क पिंक, वाइट, लाइट पिंक। और मेरा जो ब्रांड था, जो मेरी जो ये टाइप थी इस फ्लावर की, वो थी डार्क पिंक। डार्क पिंक मैजेंटा कलर के फ्लावर्स इस पे आते हैं, और जब ये शाम को खिलते हैं तो पूरा जो पॉट होता है बहुत ही प्यारा लगता है, कलरफुल लगता है, ग्रीन कलर तो है, इसमें ग्रीनरी भी बहुत है ना, देखो बहुत पत्ते हैं इसके।
और पत्ते भी तो इतने खूबसूरत है कि अगर बिना फ्लावर्स के भी ये लगा है पॉट तो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, नो नीड टू ग्रो एनीथिंग, कितना ग्रीनरी है ये और बुशी भी बहुत है। तो चलिए, इसका हम वेट करेंगे, इसके फ्लावर्स, जब इसके फ्लावर्स आ जाएंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको। अगली वीडियो में मिलेंगे जब ये फ्लावर ब्लूम कर जाएगा। मिराबिलिस जलाबा इज़ अ वेरी मेडिसिनल एंड वेरी यूज़फुल प्लांट, और इसके बारे में मैं बताऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में कि इसके जो पार्ट्स है, एक एक पार्ट इस प्लांट का इतना मेडिसिनल है, इतना यूज़फुल है कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, इसके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं जो इसकी, ये वूंड्स बहुत जल्दी हील करते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है। आई हैवेंट यूज्ड बट आई विल ट्राई। इसके जो पत्तों का रस होता है, अगर कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, तो इसके पत्तों के रस से आप बहुत जल्दी हीलिंग कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फ्लावर्स के बारे में आपको बताऊंगी। और इसके फ्लावर्स की बहुत ही एक अनोखी बात मुझे पता चली है और मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। ओके देन, हैप्पी गार्डनिंग टिल, बाय बाय।